गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके मसाला गपशप शो में, जहां होता है आप सभी का सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। अरे दोस्तों, इसके अलावा बॉलीवुड ज्ञान भी तो मिलता है। हाजिर है नई कहानी और नए एपिसोड के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। सैफ अली खान और इलिया डिक्रूज की फिल्म हैप्पी एंडिंग का ट्रेलर हुआ लॉन्च। क्या कहा छोटे नवाब ने इस मौके पर, डालेंगे एक नजर। हमारी दूसरी खबर है चेन्नई की। डोंट कंफ्यूज, हम बात कर रहे हैं जूनियर बी अभिषेक बच्चन की, जो पहुंचे हैं अपनी फुटबॉल टीम चेन्नई एफसी के बारे में कुछ बात करने। लव फिर कभी, और हम आपको बताएंगे आने वाली इस फिल्म की खबरें बस अभी। उसके बाद एक मुलाकात होगी एशा अरोरा से उनके एल्बम लॉन्च जुगनी के सेट पर, और कौन है साथ में जानेंगे आगे। चलो सरकार, आखिर हो ही गया हैप्पी एंडिंग। आप सब सोच रहे होंगे किसका, ए कम ऑन यार, ये हैप्पी एंडिंग मेरी मूवी का नाम है जिसका ट्रेलर लॉन्च मैं कर रहा हूँ। मैं बेबो नहीं आई तो क्या, वैसे साथ में और भी स्टार्स हैं। आजकल बॉलीवुड के सभी स्टार्स एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, एक बहाना है। हकीकत यह है कि फिल्म अगर फ्लॉप हो गई तो कहना पड़ता है कि मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। सही है ना बॉस, किसी ने सैफ से भी यही सवाल कर दिया। It is a genre I'm comfortable with and I was happy. I think it was great fun working with Raj and TK because they directed in a slightly different way for me. Sometimes in the past we've acted a little loudly and this one was quite subtle and they tried to go for a, if I may say, a slightly more international way of acting, which was new for me and challenging and I really enjoyed it. Mere Saif, aaj Kareena beti nahi hai aur ye Preeti aur Govinda kidhar hai bhai, nazar nahi aa rahe hain? Hamari janta ko bataiye bhai ki majra kya hai? Govinda was wanting to come and has had personal, there's an issue at home, a slight loss in the family, I believe. So it's quite, Kareena normally doesn't show up for films that she has less than a scene in. Preeti, except she has, she's coming to our party tonight. I don't know if someone asked her to come today.